नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक भारद्वाज और आप देख रहे हैं लोकल लाइव। अगर आप भी क्रिकेट में बंगाली टाइगर कहे जाने वाले दादा यानी सौरव गांगुली के फैन हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है। जी हां, आज क्रिकेट के ऑफसाइड के भगवान कहे जाने वाले दादा सौरव गांगुली का हैप्पी बर्थडे है। वो कप्तान जिसने न केवल भारतीय क्रिकेट की सूरत बदली, या ये कह दें कि उसने कई सितारों की किस्मत भी बदली तो ये गलत नहीं होगा। पूरी दुनिया सौरव गांगुली को दादा के नाम से जानती है। टीम के सभी सदस्य भी उन्हें दादा के नाम से ही पुकारते थे। आज दादा 48 साल के हो गए हैं। बंगाल के इस टाइगर की लाइफ जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है, चाहे वो स्पोर्ट्स लाइफ हो या लव लाइफ। दोनों ही लाइफों में दादा ने जमकर छक्के जड़े हैं। बताया जाता है दादा ने कई भारतीय क्रिकेटर्स का करियर बनाया है, जिसमें से एक 2011 विश्व कप विजेता कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी हैं। उन्होंने ना सिर्फ धोनी की प्रतिभा को पहचाना बल्कि निचले क्रम पर बल्लेबाजी करने वाले इस रांची के शेर को तीसरे क्रम पर उतारकर टीम इंडिया को नया विकेटकीपर बल्लेबाज भी दे दिया। लेकिन सौरभ की लाइफ सिर्फ क्रिकेट तक नहीं थी, सौरभ की लव लाइफ भी कम इंटरेस्टिंग नहीं रही। जी हाँ, बताया जाता है कि शादी के लिए उन्हें काफ़ी पापड़ बेलने पड़े थे। लोग तो यहाँ तक कहते हैं दादा ने अपने प्यार के लिए कई दुश्मनों की दीवारों को भी तोड़ा था। दरअसल सौरभ गांगुली की पत्नी का नाम डोना है, वह जानी मानी शास्त्रीय डांसर भी हैं। कहा जाता है सौरभ और डोना पहले पड़ोसी थे। दोस्ती हुई, लड़ाई हुई, दुश्मनी भी हुई और उसके बाद दोनों परिवारों में इतना मनमुटाव कि दोनों एक दूसरे को देखना तक पसंद ना करें, जिसके चलते दोनों के घरों के बीच की वो दीवार इतनी ऊंची हो गई कि उसके उस पार झांका भी ना जा सके। समय के साथ दोनों परिवारों की कटुता बढ़ती गई, लेकिन न जाने कैसे सौरभ की नज़रें डोना पर पड़ गईं और दादा का प्यार परवान चढ़ गया। सौरभ और डोना चुपचाप मिलने लगे। सौरभ अपने स्कूल से भागकर डोना के स्कूल सिर्फ इसलिए जाते कि वो उनसे मिल पाएँ और थोड़ी बात कर पाएँ। वहीं डोना भी चुपचाप उनके मैच देखने स्टेडियम पहुंच जाती। एक बार जब सौरभ के पिता को पता लगा तो वो खूब आग बबूला हुए, जिसके बाद फरमान जारी कर दिया गया कि डोना से मिले तो खैर नहीं, लेकिन सौरभ भी दादा थे, वो कहाँ मानने वाले थे। वो ठान चुके थे कि उनकी शादी होगी तो सिर्फ डोना से ही होगी। इस लुका छुपी के बीच सौरव गांगुली ने भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बना ली। अब गांगुली 1996 में इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट में शतक लगा चुके थे। वो देश के हीरो बन गए थे। बंगाल खुशी से झूम रहा था, लेकिन जब वो कोलकाता लौटे तो डोना ने शादी का अल्टीमेटम सौरव के हाथ में थमा दिया। सौरव ने भी गुपचुप तरीके से शादी का प्लान बनाया, प्लानिंग ऐसी कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। दोस्तों की मदद से दोनों ने चुपचाप शादी कर ली। चुपचाप की गई शादी ज़्यादा दिन तक छुप ना सकी। मीडिया में खबरें आईं और कोलकाता की तो ये शादी सुर्खियां बन गई। घर वालों के चेहरे पर गुस्सा था, माँ बाप का गुस्सा से तमतमाए थे, लेकिन सौरभ ने सब कुछ मैनेज किया और आज सौरभ और डोना अपना दाम्पत्य जीवन बहुत ही बखूबी से, बहुत ही प्रेम भाव से आगे बढ़ा रहे हैं। दोनों की एक बेटी भी है और सौरभ की दादागिरी उनके लव लाइफ में भी देखने मिलती है और उनकी क्रिकेट लाइफ में भी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और सौरभ एक बार फिर हैप्पी बर्थडे। चाहे कहीं भी रहें, अपने शहर से जुड़े रहें और अपने शहर की हर खबर के लिए डाउनलोड करें लोकल लाइव ऐप गूगल प्ले पर उपलब्ध।